किसान आगुआं दे खेती बिलों खिलाफ चल रहा रोस प्रदर्शन टलन का नाम ही नहीं लै रहा। किसानों ने सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेनती मनते हुए माल गड्डियां लई रेलवे लाइना खाली कर दित्तियां सी, पर केंद्र सरकार ने इस ते शर्त रख दी सी कि या तो पंजाब विच माल अते यात्री गड्डियां दोवें चलनगियां या कोई भी नहीं, जिसनों किसान मनन लई बिल्कुल भी तैयार नहीं हन। उन्हां दा कहना है कि पंजाब विच सवारी गड्डियां नूं कोई राह नहीं दिता जाएगा। पर इस ते 30 किसान जत्थेबंदियां दे आगुआं नूं बेनती की गई है कि सूबे की आर्थिकता का वड्डा नुकसान हो रहा है, इसलिए यात्री गड्डियां ते किसानां वल्लों लगाईआं गईआं रोकां वापस लईआं जाण। किसानों ने भी अपना पक्ष रखते हुए मंत्रियों को झोने की खरीद शुरू करने की मांग कर दी है, जिसनों तुरंत मंदिया मंत्रियों ने खरीद केंद्रों में झोने की खरीद दोबारा शुरू करने का भरोसा दिता है। किसान आगुआ की एक मीटिंग में किसानों वालों 26 तो 27 नवंबर को दिल्ली घेरन का फैसला लिया गया है। इस दिल्ली चलो अंदोलन में वड्डी गिनती में किसान दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने की तैयारी लिए किसान जत्थेबंदियों ने 21 नवंबर को जिला पदरी मीटिंग करने का फैसला भी लिता है। किसानों का कहना है कि वह 26-27 नवंबर को ट्रैक्टर ट्रालियों से दिल्ली पहुँचेंगे। उन्हों का कहना है कि यह फैसला मौके पर लिया जाएगा कि दिल्ली में पक्के मोर्चे लगाने हैं या दो दिन का धरना ही देना है। किसानों ने केंद्र सरकार को साफ किया है कि जेकर सानू दिल्ली जाने तो रोकया गया तो दिल्ली को चारों पासों घेरिया जाएगा, पर इस बार किसानों वालों हार नहीं मनी जाएगी और जदों तक केंद्र सरकार अपने फैसले साढ़े हक में नहीं सुनाती उदों तक यह अंदोलन इस तरह ही चलते रहेंगे।